अलीशा अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, मजबूरन उसे अपने क्रूर और अमीर नाना जी की मदद लेनी पड़ी, जिसने शर्त रखी माँ के इलाज के बदले में उसे उस शहर के सबसे पावरफुल और अमीर बिजनेसमैन अमन से शादी करनी पड़ेगी। अमन जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम था, लड़कियाँ उसे देखते ही अपना होश खो बैठती थी। अलीशा अमन से नफरत करती थी क्योंकि वह भी क्रूर और निर्दयी था। बगावत दिखाने के लिए शादी में वह सफेद गाउन की जगह काला गाउन पहनकर आई, जैसे मातम मनाने आई हूँ। क्या अलीशा खुद को रोक पाएगी जब अमन उसके बेहद करीब आ जाएगा? कहानी अमन की जुबानी। मेरे पापा विकास मेरे पास आकर कहने लगे, कहाँ है वह? एक घंटे हो गए हैं और अभी भी नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है वो आएगी? मैंने पापा से कहा वह आएगी, उससे आना ही पड़ेगा। पिछले 40-45 मिनट से मैं यही सोच रहा था, मुझे इंतजार करने से नफरत है। हमारी वेडिंग हॉल में सारे गेस्ट आ चुके थे। पापा कहने लगे, मुझे नहीं लगता बेटा सारे गेस्ट भी अब परेशान हो रहे हैं। सभी दुल्हन को देखना चाहते हैं और तुम दोनों की शादी देखने के लिए यहाँ कब से इंतजार में बैठे हैं? उसे एक बार कॉल करो, जरूर कुछ हुआ है। मैं अपने पापा को कैसे समझाऊं कि मैंने उसका नंबर तक नहीं लिया? मेरे और अलीशा की पहली मुलाकात के वक्त जो हुआ था, उसके बाद मैंने उसका नंबर भी लेना जरूरी नहीं समझा था। मैंने कहा, पापा वो जरूर आएगी, नहीं तो हमारी वेडिंग कोऑर्डिनेटर हमें पहले ही खबर देते। पापा ने कहा, यह भी सही है। मैं होटल मार्टिन के बॉल रूम में खड़ा खड़ा दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था। वह जरूर यह सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वह लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहती है, मैं मन ही मन सोचने लगा। तभी मेरा दोस्त रमन मेरे पास आ गया, कहने लगा, यार तुझे तो कहा ही था शादी करना अच्छा आइडिया नहीं है, अभी हम जवान हैं, हमें अपनी जवानी एंजॉय करनी चाहिए। तुझे इतना समझाया फिर भी तू शादी के चक्कर में पड़ गया, मुझे नहीं लगता वो आने वाली है। मैंने कहा, रमन मैंने तुझे अपनी शादी की वजह बता दी है, इसलिए ऐसी बातें मत कर, वह जरूर आएगी। उसने कहा, चलो उम्मीद करते हैं कि वह आ जाए, बेचारा आज तेरा दिन ही खराब है, कहकर वह जाकर चुपचाप बैठ गया। प्रीस्ट भी सोफे में बैठे बैठे सो रहा था। मैंने अपनी घड़ी 9वीं बार देखी, मुझे लगा रमन सही कह रहा था, शादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था कि तभी हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरें दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, सारे लोग शॉक्ड रह गए। मेरी दुल्हन ब्लैक गाउन पहनकर अंदर आ गई थी। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी अलीशा की जुबानी। 3 महीने पहले मैं अपने नाना जी के आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी। गार्ड मुझे कहने लगा, मिस अलीशा लोपेज, आप अंदर नहीं आ सकती। मैंने कहा, मुझे मेरे नाना जी से मिलना है, वह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। जाने कितने बार इस गार्ड से मैं यही बात कर चुकी हूँ, मैं हर रोज यहाँ आती हूँ। वह कहने लगा, मालिक आपको नहीं जानते। मैंने कहा, कैसे नहीं जानते, मैं उनकी इकलौती बेटी की बच्ची हूँ, वह मेरे नाना जी है, ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं? वह मुझे यहाँ से जाने को कह रहा था। इस 3 महीने से मैं उनके गेट पर आकर अपने नाना जी से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। जाने कितनी बार बारिश में खड़ी खड़ी उनका इंतजार करती रही, पर उनका दिल है जो पिघलता ही नहीं। मेरे नाना जी ने अपनी बेटी को नकार दिया था जब मेरी माँ मेरे पापा के प्यार में पड़ गई थी। वह मात्र 19 साल की थी जब अपने बॉडीगार्ड कम ड्राइवर से प्यार कर बैठी थी। नाना जी की मर्जी के खिलाफ ही वह दोनों शादी करने जा रहे थे। शादी वाले दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तब माँ को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। मेरी माँ 19 साल की थी, कॉलेज की पढ़ाई तक नहीं की थी, वह नाना जी के पास वापस आना चाहती थी, माफी मांगा था। पर बरसों बीत गए, आज तक उन्होंने मेरी माँ को माफ नहीं किया। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी परवरिश के लिए उन्हें हर तरह की छोटी बड़ी नौकरी करनी पड़ी, और वह बीमार है, लीवर कैंसर से तड़प रही है, उन्हें इलाज चाहिए, और मेरे इस काम में सिर्फ मेरे नाना जी ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी छोटे मोटे काम ही करती हूँ। मैं कॉलेज नहीं जा सकी क्योंकि मेरी माँ मुझे आगे नहीं पढ़ा सकी थी। एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में असिस्टेंट का काम करती थी, लेकिन जब वह कंपनी बंद हो गई तो नौकरी चली गई। अब मैं अपने एक दोस्त नीलम के साथ मिलकर ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, अपनी डिजाइन मैं ऑनलाइन बेचती हूँ। यह फैशन डिजाइनिंग का काम है जिसे मैं करने के लिए बहुत ज्यादा रोमांच महसूस करती हूँ। बंगले के बाहर खड़ी खड़ी यही सोच रही थी, अचानक मुझे नाना जी की कार नजर आई। मैं चीखते हुए कही, नाना जी रुक जाइए, मैं आपकी नवासी, मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी माँ सनाया बहुत बीमार है, वह आपकी इकलौती बेटी है, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, वरना वह मर जाएगी। प्लीज नाना जी, इसके बदले में आप जो मुझे करोगे
मैं करने को तैयार हूँ। मुझे अनदेखा कर वह गाड़ी में बैठ मेरे सामने से गुजर गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस हाल में मैं घर आ गई थी। मेरी माँ पूछने लगी, बेटा नाना जी से मुलाकात हुई? मैंने कहा हाँ मुलाकात हुई, पर कहकर मैं चुप हो गई। मेरी आंखों में निराशा थी। मेरी माँ कहने लगी, निराश मत हो, तुमने मेरे बारे में सब बताया ना, कल फिर से जाना, देखना नाना जी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और वह बिल्कुल सही थी। जैसे ही मैं नाना जी के गेट के बाहर पहुंची, गार्ड कहने लगे, मिस अलिसा लोपेज, आपके नाना जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं गेट के अंदर आई, छोटी सी गाड़ी में बैठ गई। इतना बड़ा एरिया था कि बंगले तक पहुंचने के लिए छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। जब अंदर आई तो नौकरानी मुझे मिली, कहने लगी, आप क्या लेना चाहेंगी मिस? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं, बस नाना जी से मिलना है। मैं आलिशान बंगले में खड़ी खड़ी इंतजार कर रही थी कि तभी मेरे नाना जी मेरे पास आ गए। मेरा वक्त जाया किए बिना ही कहने लगे, अलिसा सुना है तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? मैंने कहा, मेरी माँ को कैंसर है और उन्हें इलाज की जरूरत है। वह कहने लगे, बुरे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, तुम्हारी माँ घर से भाग कर उस गरीब लड़के से शादी करना चाहा। अगर मेरे पसंद के लड़के से शादी करती तो आज वह अच्छा जीवन बिताती। मैं नाना जी की तरफ देखने लगी, जो मेरे डैडी को भी इसमें खींच रहे थे। मैंने कहा, मेरे डैड मर चुके हैं नाना जी, आप उनके बारे में ना कहें। कहने लगे, तुम्हारी माँ ने जिंदगी भर किया ही क्या है, तुम तो कॉलेज में पढ़ती तक नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ा नहीं सकी होगी, उसने अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दी है। मुझे बचपन की वह बात याद आ गई, जब मेरे नाना जी मेरे स्कूल में आए हुए थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा था, यह मेरे नाना जी है। जब उनसे मैं मिलने आई तो मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया था। मैंने कहा, बचपन में आपने तो स्कूल में मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया था। वह कहने लगे, दुनिया के सामने क्या कहता कि मेरी नवासी एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है, तो मेरी दुनिया में क्या इज्जत रह जाती। मैंने कहा, आपको मेरी और माँ की परवाह नहीं, अपने इज्जत की परवाह है बस। उनकी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मुझे जलील करने के लिए बुलाया था, मेरी मदद नहीं करने वाले थे। पर तभी वह बोल पड़े, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ, उसे बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा, दुनिया के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाऊंगा ताकि वह कैंसर से बिल्कुल ठीक हो जाए, और उसके बाद उसमें अपने $3 बिलियन का उसका ट्रस्ट फंड उसे दे दूंगा। 3 बड़े शहर में मैं उसे बंगलो बना दूंगा। मैं सोचने लगी, नाना जी जैसे निर्दयी इंसान बिना किसी मतलब के यह सब कुछ करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? कहने लगे, तुम्हें अमन मार्टिन से शादी करनी होगी। 3 घंटे में मैं अपनी माँ के साथ प्राइवेट प्लेन में थी, एक मेडिकल टीम हमारे साथ थी। मेरी माँ का इलाज शुरू हो चुका था, 1 महीने में थोड़ी अच्छी हो गई थी। न्यूयॉर्क अपने छोटे से फ्लैट में वापस आ गई थी। नाना जी की शर्तों को मैंने मान लिया था। मार्टिन नाम के कई इंडस्ट्रीज के बारे में सुन रखा था, पर मुझे अमन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वह भी एक अरबपति था, मेरे नाना जैसा ही होगा। बस मैंने यह सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि मेरी माँ ठीक हो जाए। उनकी जान बचाने के लिए मैं खुद की खुशियों को कुर्बान करने को तैयार थी। नाना जी की असिस्टेंट का फोन आया था, कल अमन के परिवार से मिलने वाली थी। मैं रात में एक बार में आ गई। हालांकि मैं ज्यादा बार में तो नहीं आती हूँ, पर मेरा मूड खराब था। तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। लड़का बेहद हैंडसम था, सभी लोगों की नजर उस पर थी। लड़कियां तो मानो उस पर जान छिड़क रही थी। उसे देखते ही मेरे अंदर भी कुछ होने लगा था। तभी मैंने उसे एक लड़की को किस करते हुए देखा। अगले दिन मेरे नाना जी ने अपनी असिस्टेंट को भेज दिया था। उन्होंने अपने तरीके से मुझे महंगे कपड़े पहनाकर तैयार किया था, अच्छे से मेकअप कर दिया था। उसके बाद एक फैमिली डिनर में पहुंच गए थे। मेरे नाना जी भी साथ आए थे। अमन की मम्मी पापा ने हमारा स्वागत किया। अब कहानी अमन की जुबानी। बहुत अच्छा शॉट मारा, रमन ने कहा। हम दोनों गोल्फ खेल रहे थे। कल रात क्लब की पार्टी के बाद मैं काफी थक गया था। काफी सारे कॉलेज के दोस्त आए थे, कॉलेज रियूनियन था। अपने दोस्त को देखने लगा। वह बोला, क्या बात है? मैंने कहा, मैं शादी कर रहा हूँ। रमन कहा, तुम सीरियस हो? मैंने कहा, बिल्कुल सीरियस हूँ। उसने कहा, पर वह लड़की तो झूठी है, तुम अब तक उस लड़की से उभर नहीं पाए जिसने तुम्हें इस तरह से धोखा दिया। यार अपनी आंखें खोलो, 1 साल से वो धोखा दे रही है, तुम्हें इससे अच्छी लड़की मिल सकती है। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे हो जिसने तुमसे प्यार में दगा दिया। मैंने कहा, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर रहा। उसने कहा, थैंक गॉड। पर उसे नहीं तो किससे शादी कर रहे हो? मैंने कहा, मैं लोपस की नवासी अलिसा लोपस से शादी करने जा रहा हूँ। इससे हमारे बिजनेस को भी फायदा होगा और हमारा लंबा चल रहा झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। रमन आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा। कहने लगा, तुम तो ऐसे इंसान नहीं हो, तुम तो शादी करोगे तो प्यार के लिए। मैंने कहा,
तानिया ने जो धोखा मेरे साथ दिया है प्यार पर से अब मेरा भरोसा उठ गया है। तुम्हें तो पता है तानिया के प्यार में मेरा कितना बुरा हाल हो गया था। हमारे ब्रेकअप के एक महीने के अंदर ना जाने मैंने कितने कॉन्ट्रैक्ट खो दिए थे। प्यार में जो चोट खाया था उसे उभर नहीं पा रहा था और अब मैं किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। बस यह एक सौदा है। जब मैं अपनी शादी का फैसला अपनी मम्मी पापा को सुनाया था वह भी बहुत परेशान हो गए थे। कहा था अपने दादाजी की हुई गलती की सजा तुम्हें भुगतने की जरूरत नहीं है बेटा। माँ तो बहुत परेशान हो गई, कहने लगी तुम्हारे दादाजी जुए में लोपस से हमारे पुरखों की जमीन हार गए थे। उस जमीन को वापस पाने के लिए तुम इतना बड़ा सौदा कर रहे हो बेटा। मैंने कहा माँ मुझे प्यार पर भरोसा नहीं रह गया, मुझे अब वो पुरखों की जमीन वापस चाहिए जो सालों से पीटर लोपेज ने हमें देने से मना कर दिया है। उसकी नवासी अलीशा से शादी करके मैं उसे हासिल कर लूंगा। अभी एक महीने पहले पीटर लोपेज का फोन आया, कहने लगे अलीशा न्यूयॉर्क में आ चुकी है, वह तुमसे मिलने को तैयार है। मैंने कहा अच्छा लगा सुनकर, मैं और मेरी फैमिली उससे मिलने को तैयार है। कहानी अलीशा की जुवानी। मैं मार्टिन के आलीशान बंगले में पहुंच चुकी थी। उसके मम्मी पापा मुझसे बात करने लगे। उसकी माँ पिया ने कहा अमन अभी ऑफिस से आया है, फ्रेश होकर आता ही होगा। तुम्हारे नाना जी कह रहे थे तुम सिंगापुर से वापस आई हो। मैंने कहा हाँ सिंगापुर से वापस आई। नाना जी ने कहा इसने अभी अभी अपने मास्टर खत्म किया है। मेरी होने वाली सास पूछने लगी किस विषय में मास्टर किया। मैंने कहा बिजनेस, कहकर नाना जी की तरफ देखने लगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ससुर ने कहा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पढ़ा। मैंने कहा हाँ। प्रिया ने कहा आज सारे फ्रेंच डिश बनाए हैं, तुम्हें क्या पसंद है। मैंने कहा मुझे फ्रेंच फ्राइज पसंद है, मुझे और कोई फ्रेंच चीज पता भी नहीं था। तब तक पीछे से आवाज आई, मैंने क्या मिस कर दिया। एक मर्दाना आवाज सुनकर अचानक मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने अमन खड़ा था। यह तो वही लड़का था जिसे कल बार में मैंने देखा था। बिल्कुल लंबा चौड़ा था, एकदम शार्प चेहरा, जैसे कोई देवता हो, किसी मॉडल की तरह बॉडी थी। जब चल रहा था लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। लड़के हाथ मिला रहे थे, लेडीज फ्लर्ट कर रही थी। मैंने उसे कुछ ज्यादा देर तक ही घूर लिया था। क्या यह मेरे पहले नजर का प्यार था, क्योंकि इससे पहले मैं किसी और लड़के के साथ इतना अट्रैक्ट कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अट्रैक्शन जल्दी ही खत्म हो गया जब मैं उसे किसी लड़की को बाथरूम के सामने किस करते हुए देखा था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अब यह मेरे सामने खड़ा था, मेरे होने वाला पति जो किसी और लड़की से प्यार करता था, या फिर हो सकता है उसके साथ टाइम पास कर रहा हो। दोनों ही सूरत में उसका पहला इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहा। अमन अपनी माँ की तरफ देखा, कहा माँ सॉरी मुझे कुछ जरूरी कॉल करने थे। फिर मेरी तरफ देखकर कहा अलीशा मैं अमन। मैंने उसके हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैं उसे हाथ मिलाई मेरे अंदर में मेरे हाथ में जैसे करंट सा पास हुआ। मैं अपने आप को समझाने लगी अपने दिल के आसपास मोटी दीवार बनानी है ताकि अमन अंदर ना सके। मैंने कहा मिलकर खुशी हुई अमन। नाना जी कहने लगे तुम दोनों शादी करने जा रहे हो, हाथ मिलाने से ज्यादा अच्छा कुछ करना होगा। अमन ने कहा अभी तो पहली मुलाकात है, धीरे धीरे एक दूसरे को पहले जान तो ले। मुझे खुशी हुई कि अमन ने नाना जी की बात सुनकर कुछ और ज्यादा नहीं किया। अमन ने कहा तुम्हारी लाइफ कैसे कट रही है। मैंने कहा पहले से अच्छी है, क्योंकि मेरी माँ धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने कहा सुनकर अच्छा लगा, और तुम आजकल क्या कर रही हो। उसने कहा ही था कि मेरे हाथ से चम्मच गिर गई, नौकरानी मुझे दूसरे चम्मच दी। मैंने कहा माफ कीजिएगा। नाना जी कहने लगे लड़कियों वाला काम ही करती है शॉपिंग। मेरी सास पिया कहने लगे मैं यह बात नहीं मानती कि लड़कियां सिर्फ शॉपिंग करती हैं, वह बिजनेस भी करती है, घर चलाती है, रिसर्च करती है। नाना जी कहने लगे पर मेरी नवासी तो अपनी माँ पर गई है, दोनों सारा दिन शॉपिंग करते हैं और मेरे पैसे खर्च करते हैं। सही कहा ना अलीशा। मैं मन ही मन सोचने लगी सब झूठ। उन्होंने दोबारा पूछा सही कहा ना। मैंने कहा हाँ सही कहा। डिनर के बाद अमन ने मुझे अपने गार्डन में वॉक करने को बुलाया था, क्योंकि वहां सबके सामने सबकी नजर हम पर थी। मैं सीधे सीधे पूछ लिया क्या आप ये शादी करना चाहते हैं। उसने कहा हाँ। और तुम। मैंने कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उसने कहा मेरे पास भी। यह सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। हम दोनों का अरेंज मैरिज होने जा रहा था। मैंने कहा तुम मुझे ज्यादा पसंद नहीं करोगे अमन। उसने कहा क्यों क्यों नहीं करूंगा, तुम तो अच्छी लड़की लगती हो। मैंने बनावटी मुस्कान दिखाते हुए कहा
तुम्हें ऐसा लगता है, पर तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे क्योंकि मेरी अपनी भी जरूरत है। उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारे नाना जी ने अभी अभी बताया है तुम्हें शॉपिंग पसंद है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रोज जाकर शॉपिंग कर सकती हो। मैंने कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं घर पर ऐसे नहीं रह सकती क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। उसने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो जी चाहे तुम कर सकती हो, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, बस नाम के लिए शादी है, बस हमारे परिवार का नाम कभी खराब मत करना। मैंने कहा, अगर मैंने परिवार का नाम खराब किया तब तो तुम मुझे तलाक दे दोगे ना। उसने कहा, मुझे पता है तुम अरेंज मैरिज से नफरत है, पर तलाक कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे साथ जिंदगी भर रहना होगा, हमारा उम्र भर का साथ है। मैंने सोचा जिंदगी भर, जबकि उसे मैं किसी और लड़की को किस करते हुए देखा है। मैंने कहा, तुम सेल्फिश इंसान हो, सिर्फ दौलत और पावर के लिए शादी कर रहे हो। उसने कहा, तुम और तुम्हारे दादाजी भी तो वही कर रहे हैं, हमारा मार्टिन नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, इसलिए शिकायत करना बंद करो, हमारी शादी के लिए सबसे खूबसूरत सफेद गाउन पहन लो। कहानी अमन की जुवानी। पहली बार अलीशा का नाम सुना था, तुरंत मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया में उसका नाम सर्च किया। उसकी 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। तरह तरह के खूबसूरत कपड़े पहन के उसने अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। उसके बारे में और जानने का मन था। कहानी अलीशा की जुवानी। मेरे नाना जी ने एक ऐसा इंस्टा अकाउंट बना दिया था जिसमें मिलियन फॉलोअर थे। पैसे देकर मेरा ऐसा पेज क्रिएट किया था। उसने तो रोहित डिसूजा को मेरा बॉयफ्रेंड भी बता रखा था। यह सारी तस्वीर जाने उसने कैसे खींची थी, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी ऐसी तस्वीर खिंचवाई ही नहीं थी। मैंने नाना जी ने मुझे बिल्कुल नकली रूप में पेश किया था ताकि अमन से मेरी शादी करवा सके। नीलम कहने लगी, तुम्हारा पति ऐसा नहीं कि शादी कैंसिल कर दे, तुम 1 घंटे से उसे इंतजार करवा रही हो, चलो भी अब तुम्हारा पति इतना हैंडसम है, कहीं ऐसा ना हो उसे देखते ही तुम अपना दिल हार बैठो। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरे 1 घंटे बाद मैं वेटिंग हॉल में पहुंची थी, वह भी ब्लैक गाउन पहनकर, क्योंकि वह चाहता था मैं सफेद पहनूं और मैं उसका विरोध करना चाहती थी। हॉल में पहुंचते ही मेरी नज़र मेरे नाना जी पर पड़ी थी। मुझे ब्लैक गाउन में देखकर 1 पल के लिए चौंक उठे थे, पर मैं आ गई थी, इससे उन्हें खुशी मिली थी। तभी अमन मेरे पास आ गया, वह हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। नीलम की बात याद आने लगी, उसकी आंखों में देखकर लग रहा था मैं अपना दिल हार बैठूंगी। तभी प्रीस्ट ने कहा, आपकी शादी हो गई है, दुल्हन को किस कर सकते हैं। उसकी बात सुनते ही अमन मेरे पास आ गया, मैं सोचने लगी मेरे होठों में किस न करे। 1 पल में उसने मुझे पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। इसके पहले मैं सांस ले पाती, उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। वह मुझे किस करने लगा। मैं सोचने लगी, मेरी पहली किस है, हाँ यह मेरी पहली किस है। इसके बारे में कितना कुछ सोचा था और आज यहाँ मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मैं कमजोर पड़ने लगी थी, उसकी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। मन ही मन अपने आप को समझाने लगी कि अपने दिल को मजबूत करो अलीशा, तुम्हें प्यार नहीं हो सकता। जब दोनों अकेले हुए, मैंने उसे कहा, मुझे यूं तुम किस नहीं करना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ था, तुम्हें मुझे छूना नहीं चाहिए। अमन ने कहा, जब मैं मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें कहीं नहीं लिखा था कि मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। मैंने कहा, पर सचमुच की शादी नहीं है। उसने कहा, हमारे बीच में जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, पर अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा मेरी पत्नी की तरह। मैंने कहा, तुम बहुत निर्दयी हो, पर मैं पत्नी वाला काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे गंदे कपड़े नहीं धो सकती, तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती, तुम्हारे लिए बाथटब तैयार नहीं कर सकती। उसने कहा, तुम्हें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह सब कुछ करने के लिए नौकरानी है, कहकर मेरी तरफ एक गंदी मुस्कान देने लगा। फिर कहा, बस रात को बेड में तुम्हें मेरा इंतजार करना है। अब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम जो गंदी बातें सोच रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें मुझे खींच कर मुझे बांध कर फिर करना होगा। वह कहने लगा, हाय अब इंतजार नहीं होता। उसकी बातों से मेरा दिल घबराने लगा था, पर मैं हार नहीं मान सकती। मैंने कहा, तुम मुझे नहीं चाहते, तुम बस मुझसे ऊपर रहना चाहते हो। वो कहने लगा, मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरी हसीन पत्नी, और अब तो मैं तुम्हें और ज्यादा पाना चाहता हूँ। जब तुम शादी में ब्लैक गाउन पहन कर आई हो, जो मैं चाहता हूँ उसे मैं हासिल करके ही छोड़ता हूँ। कहानी अमन की जुबानी। हमारी शादी में यह कैसा मोड़ आ गया। 3 महीने पहले मैं वह जमीन का टुकड़ा पाने के लिए शादी को तैयार हो गया था। मैं उस जमीन पर रिसर्च सेंटर बनाना चाहता था। दादाजी की खोई हुई पुरखों की जमीन हमारी है, उसे हासिल करने के लिए किसी भी लड़की के साथ शादी को तैयार था। मैंने उस लड़की के बारे में सोचा तक नहीं था। तानिया ने बुरे तरीके से मेरा दिल तोड़ दिया था और मुझे प्यार पर से विश्वास उठ गया था। जब पहली बार अलीशा से नजरें मिली, मेरा दिल और दिमाग खतरे की चेतावनी दे रहा था। पहली
नजर में ही मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया था। मैं अपने नाजुक दिल के आसपास मजबूत दीवार खड़ा करना चाहता था, इसलिए बस मुंह से वह बात निकल गई थी कि नाम के लिए शादी कर रहा हूँ, तुम जो मर्जी में आए कर सकती हो। पर आज उसने बगावत कर दी जब ब्लैक गाउन पहनकर शादी में आ गई, जबकि मैंने उसे बार बार कहा था सबसे खूबसूरत सफेद गाउन पहनकर आना। उसने खुद ही अरेंज मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, फिर यह क्यों दिखाती है कि उस पर किसी ने दबाव डाला है? मुझे क्यों अनदेखा करती है, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। और शादी के दिन जरा भी मेरा हाथ उसके शरीर में लग भी जाए तो बिल्कुल चौंक उठती है, लोग क्या सोचेंगे। हमारी रिंग लगभग उसने गिरा ही दी थी जैसे मैंने उसका हाथ छुआ था, ऐसे उसने हाथ रखा क्योंकि मैं कोई बीमारी हूँ। वह दिखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, पर इसका बर्ताव को सुधारने की ज़रूरत है। और आज रात सुहागरात में मैं उसे इसकी जगह दिखाऊंगा। कहानी अलीशा की जुबानी। शादी के बाद जब सब लोग डांस कर रहे थे, उसने मेरा हाथ थाम लिया, कहा चलो डांस करने। मेरे चेहरे पर परेशानी थी, वह कहने लगा तुम मेरी पत्नी हो, लोगों के सामने जरा मुस्कुराओ। चेहरे में नकली मुस्कुराहट लाकर कहा ठीक है। उसने कहा अच्छा है। डांस करने के बाद मेरी सास पिया मेरे पास आ गई, हंस हंस कर बात कर रही थी, कहने लगी तुम्हारी माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। कुछ बोलने के लिए मैंने मुंह खोला ही था कि मेरे नाना जी आ गए, कहने लगे वह सिंगापुर में है। उसने अपनी प्राइवेट जेट मिस कर दी, उनकी तरफ देखने लगी थी। मेरी माँ शादी में आना चाहती थी, जब मैंने बताया था कि मैं नाना जी के कहने पर उनकी पसंद से शादी कर रही हूँ ताकि आपका इलाज हो सके। मेरी कुर्बानी के बारे में सुनकर मेरी माँ दुखी जरूर हुई थी, पर शादी में आना चाहती थी, पर नाना जी ने उन्हें शादी में आने से साफ इनकार कर दिया था। कहने लगे वहाँ बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, तुम जवाब नहीं दे पाओगी, बेहतर होगा मुझसे दूरी रखो। जब रात हुई तो सारे गेस्ट ने हमें प्राइवेट सूट में भेज दिया। अमन अपने कपड़े उतारने लगा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पूछने लगी शर्ट क्यों उतार रहे हो, वह बोला रात हो गई है। हमें सोना है। हमारा बड़ा सा बिस्तर फूलों से सजा हुआ था। मैंने कहा मर जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली। मैं परेशान होकर कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन वह रूम लॉक किया हुआ था। वो कहने लगा रूम सुबह तक ही खुलेगा, होटल मैनेजर ने कमरा लॉक करवा दिया है, ब्रेकफास्ट तक हम दोनों को एक साथ ही रहना पड़ेगा। अमन मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, पर मैं परेशान होने लगी, कहीं यह गाउन पहनकर कैसे सोऊंगी। उसने मुझे कपड़ा पकड़ा दिया, कहा इसे पहन लो, तुम्हारे साइज के होंगे। मैं कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम जाने लगी कि अमन कहने लगा यहीं पर कपड़े चेंज कर लो, अब जब तुम्हारा पति बन गया हूँ तो कैसा शर्माना। एक पल के लिए मैं चौंक उठी थी, फिर पर्दे के पीछे चली गई और कपड़े बदलने लगी। कहानी अमन की जुबानी। वो पर्दे के पीछे कपड़े बदल रही थी, मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसका खूबसूरत जिस्म यूं दूर से देख रहा था, मैं अपने होश हवास खो बैठा था। आखिरकार मजबूरी में मेरे पास सोने को तैयार हो गई थी। उसने हम दोनों के बीच में तकिए का लंबा दीवार खड़ा कर दिया, कहने लगी भूल कर भी इस ओर मत आना। सूरज की पहली किरण के साथ करीब 2 घंटे से मैं जगह जगह उसकी खूबसूरती देख रहा था। हमारे बीच के तकिए की दीवार कप का तोड़ चुकी थी और नींद की हालत में मेरे बिल्कुल करीब थी। मेरे कंधे पर सर रखकर चैन की नींद सो रही थी। उसने अपना एक पैर मेरे कमर के ऊपर रखा हुआ था और उसके 2 नरम नरम हिस्से मेरे सीने को चुभ रहे थे। सुबह का वक्त था, मैं बिल्कुल करक हाल में था, मेरी हालत खराब हो रही थी। अगर अभी इस हाल में मुझे देख ले तो काश मैं फूल पैजामा पहना होता। उसकी खुशबू और मुझे दीवाना कर रही थी, मन कर रहा था इसे अभी हासिल कर लूं। ऐसा ख्याल आते ही सोचने लगा कहीं ज्वालामुखी फट ना जाए, पर यह प्यार नहीं हो सकता, मैं दोबारा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। तभी उसकी नींद खुल गई, इस हाल में बिल्कुल कपड़ा ठीक कर झट से मुझसे अलग हो गई। उसका चेहरा देखकर मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ गई थी, उसकी आंखें मेरी आंखों से टिक गई थी। कुछ कहने ही जा रही थी मैं उसके करीब आ गया, उसके होठों को हल्का सा चूम कर कहा गुड मॉर्निंग मेरी हसीन पत्नी अलीशा, जो कि बहुत ही मामूली तरीके से बड़ी हुई थी। अमन से अपने दिल को बचाना चाहती थी। क्या दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल पसंद करने लगे हैं? क्या होगा इसके आगे जब वह हनीमून पर जाएंगे? क्या इनके बीच की दीवार टूट पाएगी या फिर अलीशा का रूखा बर्ताव अमन को तानिया की ओर धकेल देगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।